हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो आज है 26 दिसंबर। तो आज है फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कन्वेंशन। तो अभी बज रहा है मॉर्निंग का 6। तो अभी हम लोग अभी तैयार होने के लिए अभी उठे हैं जस्ट। तो अभी नहा धोवा के अभी थोड़ा सा गाइडेड योगा है और यहाँ पे कुछ वॉलीबॉल फील्ड है तो वहाँ पे जाने वाले हैं सभी। तो वहाँ से फिर ब्रेकफास्ट से फिर शायद रूम में आना पड़ेगा रेडी होने के लिए, और उसके बाद हम लोग सीधा चले जाएंगे ऑल इंडिया यूथ कन्वेंशन में। तो मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ, बने रहे इस ब्लॉग पे। गाइस देख सकते हो ये बंदा सुबह सुबह रेडी होके आ गया, हम लोग अभी तक सोए हुए थे। गाइस देख सकते हो, गाइस हैंडसम बंदा है। लो भाई बंदे सबको देखो, सभी गरम गरम पानी से ला रहे हैं नहाने के लिए। बाहर में हम लोग का कुछ लाइन चल रहा है गाइडेड योगा के लिए, तो यहाँ से हम लोग को गाइड करके लेके जाएंगे वॉलीबॉल फील्ड के उस और। तो अभी मैं भी जा रहा हूँ नीचे थोड़ा सा लाइन पे लगने के लिए, और बाद बाकी एकदम प्रोग्राम स्टार्ट होने के बाद मैं दिखाऊंगा, बिकॉज बीच में बहुत सारे एक्टिविटीज़ है जो कि मैं शो नहीं कर सकता बिकॉज वहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड ही नहीं है। सो मिलते हैं प्रोग्राम के बाद, नहीं तो प्रोग्राम का बीच बीच का भी मैं कुछ पार्ट ऐड कर सकता हूँ। तो अगर मैं कर पाया तो मैं कर दूँगा। इस जगह का व्यू देख सकते हैं, पूरा सारे जगह पे मतलब फ्लावर्स लगे हुए हैं, पूरा गार्डन सब कुछ डेकोरेट किया हुआ है। आगे भी है लेकिन बहुत ज़रा जगह में मोबाइल निकालना अलाउड नहीं है तो मैं इतना कैप्चर कर नहीं पा रहा हूँ। तो जो भी हो आप इतना ही देख लो फिलहाल, और मैं अपने लेफ्ट साइड में नहीं घुमा पा रहा हूँ बिकॉज टेम्पल है, और इधर में टोटली मतलब बैंड है, आप फोटो वगैरह नहीं खींच सकते हो। ऐसे देख सकते हो वहाँ पे बैनर लगा हुआ है, वहाँ पे पूरा साफ साफ लिखा हुआ है। ये रहा यूथ कन्वेंशन का हॉल जो कि सामने देख रहे हो। तो अभी हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, तो अभी एंट्री टाइमिंग है तो जाते हैं भीतर में। ये है यूथ कन्वेंशन का हॉल देख सकते हो, अभी भी एंट्री हो ही रहा है, और हम लोग फिफ्थ फ्लोर आई थिंक फिफ्थ या सिक्स्थ फ्लोर होगा ये। और नीचे देख सकते हो प्रमोंग सब है। तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद ही प्रोग्राम हम लोग का स्टार्ट होने वाला है। हम लोग का जितना भी बैच के थे तो सारे यहाँ पे बैठ चुके हैं। ये मैं, ये रहा मेरा एक थोड़ा सा हेल्दी सा दोस्त मिस्टर अर्गदीप, ये भी है मिस्टर अर्गदीप। हम लोग का यहाँ पे दो अर्गदीप है, और इंटरेस्टिंगली सरनेम भी सेम, मिस्टर नंदीज। ये नंदी ब्रदर्स, या और नंदी सिस्टर्स, गाना गाते हैं नंदी धूम मचाते हैं। धूम मचा नहीं मतलब एकदम धूम फोर। हाँ नंदी बताओ, बड़ा वाला नंदी बताओ, कुछ ऐसा कुछ बताना चाहते हो आज के, या कुछ ऐसा कुछ बताना चाहते हो आज के इस प्रोग्राम के बारे में, यूथ कन्वेंस ऑल इंडिया यूथ कन्वेंशन जो हो रहा है। नहीं बोलना चाहूंगा कि आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट्स सी क्या होता है। यस 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 एकदम। तो चलिए अभी तो फिलहाल प्रोग्राम में अटेंशन देते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। Masculine and heroic personality and triumphed over the whole of the universe. This was vibrated through the global atmosphere that surcharged the whole of humanity in his lifetime and in posterity. To quote Rabindranath Tagore about Swami Vivekananda, if you want to know India, study Vivekananda. In him, everything is positive and nothing negative. Roma Rola has said, Vivekananda was energy personified and action was his message to men. For him, as for Beethoven, it was the root of all the virtues. His preeminent characteristic was kingliness. With that source of strength which is inside us, you will see that we also will begin to grow stronger and stronger in life. We also will begin to manifest and radiate more spirit of fearlessness, and we shall also begin to become more and more free and independent. गाइज मैं आपको एक रूम के अंदर में अभी फिलहाल लेके जाने वाला हूँ। तो गाइज ये रूम में सारे जितने भी बेशरम बंदे सब है सब इसमें है, मैं दिखा रहा हूँ सारे बेशरम बंदो।
हाय कर दो। हेलो हेलो, ऐसा बेशरम बंदे हमको बुलाते नहीं है, बताओ। तो इतने दृश्य से दादा ये लास्ट पेज रे। फाइल लिया क्या? क्या ये? ओ या ये क्या मेरा हिसाब निकाले है तुम लोग? क्या 114 70 क्या है? चिंदी की डाटा भाई। ये चीज ये क्या है? ये 70 रुपए आपको इनको देना है कल का, एकदम। ये 100 रुपए आपको इनको देना है टैक्सी पे आने का, एकदम। ये 14 रुपए आप किसको देना है? आप ये भगवान। और उसके बाद और कुछ था क्या इनका? ओ 500 रुपए इसको देना है रूम रेंट। वाह वाह वाह, ये देखो हम लोग का अकाउंटेंट, इसने ठीक से कॉमर्स पास नहीं किया तब ये अकाउंटेंट बन गया हम लोग का। 14 रुपया का हिसाब निकालता है बंदा। छी छी। 6:15 PM का आप लोग देख सकते हो पूरा क्राउड निकल रहा है और यहाँ का सिचुएशन कुछ ऐसा है भाई, बहुत ही भीड़ भाड़ वाले जगह और यहाँ पे बहुत जाम होता है। सुबह भी ले लो शाम भी ले लो, बहुत सारे लोग आते हैं और जाते हैं। ये रहा मेन गेट बेलूर मठ का, देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेस्क, एंड देन यहाँ से और भी अंदर जाना पड़ता है। तो हम लोग का तो कन्वेंशन हॉल रहा है ये गेट से घूम कर लेफ्ट हैंड साइड। तो अभी फिर से यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। तो गाइज अभी हम लोग को स्नैक्स मिल चुका है और हम लोग पूरा गार्डन में हैं, तो गार्डन एरिया में हम लोग बैठ चुके हैं। ये रहा हम लोग का नंदी ब्रदर्स। हेलो ब्रदर, कैसा लग रहा है? खा रहे हो? ठीक है। और ब्रदर आपको कैसा लग रहा है? जयराम जी की। मिस्टर शुभम भाई कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये रहा हम लोग का मानस दास प्रिया भाई। तुम भी खा लो, नहीं तो कैरेमल वो केक खत्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा, बिकॉज ये मेरे पास में है। ये पूरा मजा लेके खाएंगे। ये क्या है? सैंडविच। सैंडविच है और पेटीज है और एक कैरेमल केक है। वाह वाह वाह, जूस भी अंदर है। जूस भी है क्या? ठीक है जूस। हाँ हाँ हाँ, जूस है अंदर। तो मैं अभी अभी बिना देरी के शुरू करता हूँ और क्या ही करना, खाना जो मिल चुका है। अभी चल रहे हैं गाने। तो गाइस फाइनली यहाँ का हो चुका है सारा कुछ खत्म। अभी हो रहा है 7:30 PM। तो अभी तो अभी क्या है, हम लोग अभी फिर से डॉमिटोरी नहीं तो हम लोग थोड़ा सा बेलूर मठ का आउटसाइड में थोड़ा सा अभी घूमने वाले हैं। उसके बाद फिर से मतलब वो किसका टाइम हो जाएगा फिर से खाने का? डिनर का टाइम हो जाएगा। डिनर का टाइम हो जाएगा। यहाँ सब कुछ काफी ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, आपका टाइम थोड़ा सा भी हम लोग जाया नहीं कर सकते, राइट? एकदम एकदम एकदम। और अगर हम लोगों ने जाया किया तो हम भूखे रहेंगे। हाँ ये बात है, यहाँ पे बहुत डिसिप्लिन मेंटेन होता है, पूरा टाइम पंक्चुअल है यहाँ पे। यहाँ डिसिप्लिन होने का और एक मतलब टाइम पार करके अगर आप अगर आओगे आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। यहाँ ज्यादातर मॉन्क्स रहते हैं तो मॉन्क्स यूजुअली दे आर डिसिप्लिन। ये बात है, तो इसके सीख रहे डिसिप्लिन बनना एकदम। ये देखो डिसिप्लिन का डिस्कशन हो रहा है भाई साहब, देर मत करो, जहाँ पे भी जाना है नहीं तो मोए मोए हो जाएगा। मोए 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 मोए, हाँ वो उसका मोए मोए हो गया। ये मतलब क्या बोले, नचिकेता भैया के साथ ये मोए मोए हो गया। फर्स्ट डे ऑफ बेलूर मठ ना, फर्स्ट डे था ना उस दिन। हाँ ये तो हो गया, आज वर्ल्ड पे वायरल हो जाएगा ये। वी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज हम लोग को मिल चुका अभी राजीव महाराज जी। महाराज जी हम लोग को अभी थोड़ा सा गाइड करेंगे, मतलब यहाँ पे कैंपस वगैरह यूनिवर्सिटी है यहाँ पे आसपास, तो थोड़ा सा हम लोग को घुमाएंगे बिकॉज हिस्ट्री वगैरह इतना हम लोग को मालूम नहीं यहाँ का। तो वो यहाँ का मॉन्क्स है, तो पहले गुवाहाटी में रहते थे, अभी कोलकाता टाकी में उनका पोस्टिंग है, तो मिलता तो नहीं हम लोग को नॉर्मली। तो आज फाइनली मतलब थोड़ा सा 2-3 दिन के लिए मिले हैं, तो थोड़ा सा तो घूमना बनता है, तो इसी की वजह से घूम रहे। সব জায়গা সব কিনে নিতে হবে, ইয়ে সব জায়গায় ইউনিভার্সিটি করতে হবে, তারপর দেখবি ইউনিভার্সিটি হবে। তোরা ভাবছিস আমি এমনি বলছি? আমি দেখতে পাচ্ছি। না না আমি না, স্বামীজি বলছি।
ये है पूरा यूनिवर्सिटी है। तो महाराज जी बता रहे थे कि ये जब जगह जब पूरा खाली था तो स्वामी जी यहाँ पे टहलते हुए किसी मतलब यहाँ कई मॉन्ग्स को बता रहे थे यहाँ पे एक दिन यूनिवर्सिटी होगा। तो वही चीज़ थोड़ा देर पहले हम लोग का जो राजीव महाराज जी है वो एक्सप्लेन कर दिए। तो वो देखो रामकृष्ण मिशन यहाँ पे सही से क्लियर से नहीं दिख पा रहा होगा। हाँ देखो रामकृष्ण मिशन विवेकानंद यूनिवर्सिटी एक बहुत ही बड़ा कंपाउंड में है फिलहाल अभी। और ये देखो हम लोग का स्वामी जी का मतलब मेडिटेशन वाला पोर्ट्रेट बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे घूम के। और महाराज जी के साथ रह के इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं इस सब के लिए। तो कल भी हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे घूमे तो महाराज जी पूरा गाइड कर दिए, जैसे कि माँ शारदा का वो चीज़ मतलब सुबह, और उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी को मतलब कहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया और सारे कुछ मतलब महाराज जी खुद लेके हम लोग को मतलब दिखा दिया। तो ये सब सारा चीज़ एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो बहुत ही मज़ा आ रहा है सब देखने का। मतलब शुभ अवसर मिला और स्वामी जी कहाँ पे रहते थे उनका घर हम लोगों ने देखा। लिटरली बहुत मज़ा आया, क्या बताऊँ। ये जो ट्रिप है मेरे लिए तो बहुत ही बेहतरीन हुआ है। वी आर कम्प्लीटिंग ऑल दी जितने भी सारे कुछ प्रोग्राम्स थे सब कुछ कम्प्लीट है, डिनर वगैरह सब कम्प्लीट है। और ये रहा हम लोग का गैंग ऑफ बासीपुर का बासी खाने वाले सब गैंग ऑफ, क्या बता रहा हूँ मैं। जो भी है इसका अंदर हम लोग का यहाँ पे मतलब कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं बंद कर रहा हूँ, बाकी डॉर्मिटोरी में जाके कुछ मजे करते हैं।